सब्सक्राइब करें टेक्निकल टीचर चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए नए वाले टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये जो एंड्रॉयड फोन है, इस एंड्रॉयड फोन का जो स्क्रीन है हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर मिरर करके दिखाने वाला हूं। और यह मिरर करने की सबसे जो आसान तरीका है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं। तो नमस्कार, मेरा नाम है गणेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल टीचर। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड्रॉयड फोन की जो स्क्रीन है उसे हमें विंडोज पर लाने के लिए मैं आपको एक सॉफ्टवेयर सजेस्ट करूंगा जिसका नाम है वो है सर। ये जो सॉफ्टवेयर है ये सिर्फ आप जो है अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना पड़ता है। और कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर मैं सबसे जो अच्छा तरीका है वो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले तो क्रोम ब्राउजर जो है, आपको अपने क्रोम ब्राउजर को कंप्यूटर पर इसे ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर हमारे सबके कंप्यूटर पर होता ही है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ टाइप करना है VYSOR एक्सटेंशन, इस प्रकार से आपको यहां पर टाइप करना है और एंटर दबाना है। तो यहां से टाइप करने के बाद यहां पर वाइसर गूगल क्रोम इस प्रकार की एक लिंक आ जाएगी, आपको वहां पर टच करना है। तो उसके बाद देखिए यहां पर ऐड टू क्रोम, ये जो है हमें इस पर टच करना है। तो ये ऐड और ऐड टू क्रोम करने के बाद यहां पर ऐड ऐप, इस प्रकार से एक यूजर इंटरफेस आ जाएगा, आपको वहां पर टच करना है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये सॉफ्टवेयर जो है लगभग मुझे लगता है कि ये 9 MB का होगा। तो ये डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। तो ये डाउनलोड पूरा हो जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। और आने के बाद आपको यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक करना है। तो क्रिएट शॉर्टकट पर आप क्लिक कर दोगे तो ये डेस्कटॉप और स्टार्ट मेनू में ये शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो शॉर्टकट है क्रिएट हो चुका होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको अपना जो मोबाइल है, इस मोबाइल को आपको यहाँ पर देखिए, मोबाइल जो है मोबाइल को डाटा केबल से आपको यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। तो इस प्रकार से ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अब मैं इस फोन को डाटा केबल से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए SMG7102, ये जो फोन है यानी सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड मेरा फोन है, तो ये हमारे यहाँ आ चुका है। और आपको सिंपली यहाँ पर व्यू पर टिक करना है। व्यू पर टिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। तो अब ये स्क्रीन मिररिंग के लिए शुरू हो चुका है। तो एक एप्लीकेशन होता है कि जो USB के थ्रू अपने मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है, और इंस्टॉल हो जाने के बाद ये सीधा स्ट्रीमिंग जो है लाइव स्ट्रीमिंग अपने मोबाइल का ये कर देता है। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आप यहां पर भी देख सकते हो। तो इस प्रकार से ये खुल जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर जो है ये यहां पर देखिए इंस्टॉल हो रहा है। तो इंस्टॉल हो जाने के बाद ये यहां पर आ जाता है। इसके बाद मैं जैसे भी यहां पर क्लिक करता हूं तो ये अपने आप ओपन हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने एंड्रॉयड को बहुत ही अच्छे तरीके से, और फ्री ऐप सॉफ्टवेयर जो है वो ये बिल्कुल फ्री है, सिर्फ 9 MB के है, आपकी ज़्यादा रैम भी इस्तेमाल नहीं करेगा। और अपने आपको मोबाइल को वह अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर अच्छे तरीके से मिरर कर सकता है। तो इस प्रकार की जो टेक्निकल की वीडियो है मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर हमेशा लेकर आता हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेकिन और एक बात आपको यहाँ पर बतानी रह गई है कि कंप्यूटर के स्क्रीन पर मोबाइल में लाने के लिए मोबाइल पर एक सेटिंग करनी पड़ती है। तो वो सेटिंग जो है उसे USB टेथरिंग की सेटिंग कहते हैं। वो डेवलपर ऑप्शन आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस प्रकार से लाई जाती है। तो ये सेटिंग जो है हम कैसे कर सकते हैं, तो जो आपका अबाउट डिवाइस ये जो ऑप्शन होता है, अब EMI के अगर आप फोन लोगे तो ये एक नंबर पे होता है, और जो सैमसंग और अदर जो मोबाइल फोन है उसमें वो सबसे नीचे होता है। तो आपको अबाउट डिवाइस सेटिंग कहाँ पे है ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अबाउट डिवाइस ऑप्शन है, और अबाउट डिवाइस में आपको बिल्ड नंबर जो है इस पर आपको 4 या 5 बार यहाँ पे आपको टच करना पड़ेगा। अब मेरा जो डेवलपर मोड है वो ऑलरेडी एनेबल हो चुका है, तो इसलिए वो जरूरत नहीं है ऐसा वो बोल रहा है, नो नीड टू डेवलपर टैब ऐसा कर रहा है। अगर MI का फोन होगा तो MI के फोन में जो MUI जो होता है यानी MUAI इस प्रकार से अबाउट डिवाइस में होता है MUI वर्जन, तो उस पर आपको 4 या 5 बार वहां पर अगर आप टिप करोगे तो डेवलपर ऑप्शन जो है वो एडिशनल सेटिंग में खुल जाता है। तो वहां से भी आप जो सेटिंग है आप कर सकते हो, और इस प्रकार से आप अपने मोबाइल को बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए डेवलपर टैब में हमें क्या करना है, सेटिंग में जो डेवलपर टैब होती है नीचे वाली डेवलपर ऑप्शन पर हमें टिक करना पड़ता है। USB डबिंग तो यहाँ पर आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। उसके बाद
एप्स वाया यूएसबी, या फिर यूएसबी जो एप्स होते हैं इंस्टॉल यूएसबी एप्स एमआई में सेटिंग होता है, तो उस प्रकार से आपको करना पड़ता है। और सिक्योरिटी सेटिंग जो होती है उसे भी आपको यहाँ पर एनेबल करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप अपने जो मोबाइल में आप कर सकते हो। तो ये जो सेटिंग है कुछ इस प्रकार से, अगर आपको ये जो सेटिंग है ये करने के लिए आपको अपग्रेड करना पड़ता है, तो अगली वीडियो में ये जो जो वाइसर सॉफ्टवेयर है इसे प्रो में आप फ्रीली कैसे अपग्रेड कर सकते हो इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।